To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। बस आपकी आवाज़ सुन के और अच्छा लग गया मुझे भी। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था आपको कॉल करने का। अच्छा, सही सही। तो आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, हम ऑडियो बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली मेरा कैमरा चल नहीं रहा, फ़ोन गिर गया था ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ये मसला हुआ है थोड़ा फोन का। कोई बात नहीं। और आप सुनाइए, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? पढ़ाई सही चल रही है? जी मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है उस टाइम पे। तो चलें, वेरी गुड वेरी गुड। खुदा आपको और तरक्की दे और ज़्यादा यू नो नॉलेज दे, विजडम दे, क्योंकि देखें नॉलेज आपके पास आएगी तो विजडम भी आ जाएगा। बिल्कुल, विजडम आ जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल जी, ठीक है। तो नॉलेज ऐसी चीज़ है जो जितना भी ले लें वो कम है। मैं भी आज भी सीखता हूँ। मैं लोग बोलते हैं आप बहुत सीख चुके हैं, बट मैं बोलता हूँ मैं आज भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मुझे बताया मैसेज में कि आपने मेरी वीडियोस देखी, तो आपको ऐसा कोई लगता है कुछ वीडियोस में जहाँ पर मैंने कोई झूठ बोला या कोई ऐसी बात, एज अ मुस्लिम जिन्हों जैसे आप बोल रहे हैं? जी जी जी। तो आपका क्या ख्याल है, कोई मैंने ऐसा रेफरेंस जो कि झूठ बोल के दिया है, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने गलत बताई हो, तो इस बारे में आप अक्सर क्या बोलना जगह, क्योंकि मैंने जितना इस्लाम को पढ़ा है, मैं एक्चुअली क्या कहते हैं, किसी सेक्ट के इस्लाम पे बिलीव नहीं रखता। क्योंकि जो आज इस्लाम में सेक्ट्स बन चुके हैं वो सारे ही किसी ना किसी वे में गलत हैं। अच्छा, किसी ना किसी वे में, अगर आप उन सेक्ट की खुद की किताबें पढ़ें जी, तो उन सेक्ट की खुद की किताबें एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रोड्यूस करती हैं और वो गलत बन जाता है उनका कॉन्सेप्ट। सही सही। तो मैं उस इस्लाम पे बिलीव रखता हूँ जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया, और जो एक सही असली खुदा ने हम तक पहुँचाने की कोशिश करी। सही, सही। मैं उस इस्लाम पे बिलीव रखने करता हूँ। अक्सर अहदीस हैं ऐसी जिनके बारे में हमारी बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा गया है, लेकिन अगर आप उनके नरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कज़ाब रावी हैं, यानी कि ऐसे राइटर्स हैं जो झूठ बोलते हैं। सही। तो जब मैंने जब इस्लाम पढ़ा, क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से कोई हमें ऐसा बर्डन नहीं था। मेरे अबू जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, पर दूसरी तरफ वो मेरी अम्मी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए। सही सही। कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें या फिर आप कोई ऐसा काम करें, वो प्रेशराइज नहीं करते। आपकी हमारी फैमिली में हमें इतनी आज़ादी दी कि आप जैसे फॉलो करना चाहें, आपका अपना मर्जी है, हम पे ये बर्डन नहीं डाला गया। तो इसलिए मैंने बचपन से इस्लाम स्टडी करना शुरू किया। तो जब मैं राइटर्स के बारे में पढ़ता था कि ये हदीस इसने राइट करी, तो मेरे फादर मुझे हमेशा कहा करते थे कि जब तुम किसी की हदीस पढ़ो तो तुम उस जिसने वो हदीस नरेट करी है उसके बारे में ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि अक्सर मरतबा बुक्स में हदीस लिखती जाती है पर नरेटर छूटे निकलते हैं। सही सही। बहुत आपने बहुत अच्छी बात की है और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज भी है तो अच्छा लगेगा, मज़ा आ गया आपसे बात करके। देखिए मैं मुझसे काफ़ी लोग जो है ना बात नहीं करते, पता नहीं क्यों, आप देखें मुझसे बात करें मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी होती है जब कोई कॉल करता है। तो मैं कोई गलत बात तो करता नहीं, आपसे भी सीखूंगा, मैं देखता हूँ मैं आप क्या मुझे क्या सिखा सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा मैं आपसे सीखूंगा। तो ठीक है, मेरा ख्याल है आजकल के अक्सर जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग हैं वो खुद अपने रिलीजन के बारे में नहीं जानते, और फिर उनको डर होता है कि अगर हम किसी दूसरे से बात करेंगे तो हमारा ईमान खतरे में आ जाएगा। सही सही सही। तो मेरा मानना है कि आपका ईमान उसी टाइम से खतरे में आ गया है जब आप किसी दूसरे से बात करते हुए डर रहे हैं कि मेरा ईमान कहीं ये खराब ना कर दे। अगर आपका ईमान है तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि मैं इस चीज़ पे इसलिए ईमान रखता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई आप तो स्कॉलर लग रहे हैं आपकी बातों से। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बहुत मैंने
वेरी थोड़ी गुड, सी वेरी गुड। स्टडी। तो देखिए, ये जैसे आपने बात बोली है, नरेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हदीस सही है या दाईफ है। तो आप क्या बोलते हैं, जैसे कि कुछ नरेटर्स हैं, जैसे इब्ने अब्बास हैं, जो कि आपको पता ही होगा, कज़न है जी पैगम्बर इस्लाम के, राइट, बिल्कुल मोहम्मद के जी कज़न है जी वो। तो वहाँ से जब जी आप समझते हैं कि ये एक ऐसे ऑथेंटिक स्कॉलर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर रहते थे उनके साथ, जी तो जी जो चीज़ बिल्कुल इन्होंने नरेट कराई होगी, आप उस पर डेफिनेटली यकीन करेंगे। जी ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप मुझे एज अ मुस्लिम बताएं कि मुस्लिम की क्या डेफिनेशन है। मुस्लिम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी बुक का रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, कुछ कोट नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू मी मुस्लिम एक ऐसा इंसान है, जैसे कुरान के अंदर हमें फरमाया गया है, सूरह बकरा के अंदर और सूरह माईदा के अंदर, कि और अगर तुम एक सच्चे खुदा यानी कि अल्लाह पे यकीन रखते हो और तुमने अच्छे काम किए तो तुम्हें हशर वाले दिन किसी चीज़ का डर नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है खुद एक असली खुदा की तरफ सबमिशन और ऐसे काम जिससे दुनिया में आप किसी को नुकसान ना दें, सबमिशन, आपको प्रैक्टिस सबमिशन मुस्लिम जैसे के आपने, लिए बिल्कुल सबमिशन जैसे आपने ये लफ्ज़ बोला, सबमिशन तौहीद सबसे पहला हमारी बिल्कुल तौहीद, तौहीद, जी। तौहीद लफ्ज़ कहीं है कुरान में या हदीस में? हदीस में तो बहुत बार रिपीटेड है, ये मैंने अक्सर पढ़ा, तौहीद अच्छा, आपने के पढ़ा बेसिस है। पर ही, जैसे सही जी जी सही बुखारी के अंदर जो हमें शुरू की हदीस में बुक ऑफ फेथ के अंदर, ईमान की किताब के अंदर हमें बताया गया है कि हजरत उमर सेकंड खलीफा ये रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है, तौहीद पे है, नमाज पे है, रोज़ा पे है, ज़कात पे है और हज है, जो कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप करेंगे। अगर रोज़ा तौहीद आपके लिए बेसिक नेसेसिटी है, चल, आप मुझे नमाज दिखा आप सकते कुछ हैं हालात किसी में किसी हदीस में जहाँ तौहीद लिखा हो? कुरान में तो ये लफ्ज़ नहीं है तौहीद, तो आप हदीस में जी दिखा एक सकते हैं मिनट हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप बाद में दिखा सकते हैं मुझे, कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली मैंने ना बुक्स यहाँ पे PDF में मेरे पास होती हैं अच्छा, तो तो फिर मैं तो आपको इजी हो डाउनलोड जाएगा, कर आपको सकता हूँ ढूंढने ऐसी में चीज़। सर्च में लिखेंगे तौहीद जी आ जी जाएगा। मैंने भी थोड़ी प्रेपरेशन करी इस चीज़ के लिए आज। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगता है, आप तो, आपको तो प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात ही लगी, आप इतने ब्रेव हैं। नहीं जो इतने आपको सारे स्कॉलर्स हैं वो कॉल नहीं करते, और आप स्कॉलर ना हो के आप कॉल करें, तो आप बहुत ब्रेव हो। और आपकी आपकी जो मैंटेलिटी है वो इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैं बता नहीं सकता। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि जैसे इस्लाम जो है वो सबमिशन है, उस सबमिशन किसको करना है? और क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ इस्लाम एज अ वर्ड, जिसका मीनिंग ये है, सबमिशन नहीं है, सरेंडर है। सरेंडर का मतलब जी है सरेंडर सरेंडर, राइट? आप इसको एग्री करते हैं? ठीक जी है, जी तो इस्लाम सरेंडर है। सरेंडर का क्या मतलब होता है, आपको पता है? सरेंडर का मेरा मेरे ख्याल से तो आप एक आदमी के सामने हथियार डाल दें सही सही, मुकम्मल सरेंडर तौर कर से दें आप अपनी। सब चीज़ें जो है ना। जैसे जब कोई पुलिस आती है, जब आपने मूवीज़ में अक्सर देखा जी होगा, जी जब FBI या CIA जी वाले आते हैं, गन रखते हैं और बोलते हैं कि भाई सरेंडर योरसेल्फ, राइट, ये उनका डायलॉग होता है, अपने आप से अपने आप को हमारे हवाले कर हमारे दो। हवाले कर हाँ सही है, हाथ जी ऊपर कर दो। तो सरेंडर इस्लाम में जी ऐसा, जी ये मतलब इस्लाम में ऐसा क्यों है कि सरेंडर किया जाए? हम क्यों ना अपने अपने प्यार से, अपने अपने अपनी विलिंग जी अपने विलिंग विलिंगनेस से हम खुदा को जी खुदा को ग्लोरीफाई करें, और खुदा को माने, बजाय इसके कि हम सरेंडर करें अपने आप को। ठीक है, तो जहाँ तक आपने एक बात बोली, आपने बोला कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके डैड हैं, वो जी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और जो है जी जी वो आपकी मदर जो है वो 5 वक्त की नहीं पढ़ती, बट दैट्स ओके। तो जो 5 वक्त की जी नमाज़ जो आपके डैड पढ़ते हैं, तो जी वो एज अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर पढ़ते हैं, राइट, स्ट्रांग मुस्लिम है वो। जी बिल्कुल अब देखें, आप जैसे आपके वालिद साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं कि वो अल्लाह जी के, जी अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और अल्लाह को प्यार करते हैं, दिखाते हैं, सही है। और आपकी वालदा नहीं करती, ठीक है, मैं कोई मेरी बात बुरी मत लगिएगा, जी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जी सिर्फ, ठीक है। नहीं, तो जी अब आप देखें, अब यहाँ पर क्या होता है, जी अब अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है आपके डैड को, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी वालदा नहीं पढ़ रही, जी ठीक है। तो उनका नहीं ऑब्वियसली करूँगी फिर उनके 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 जो नेकियां हैं वो अलग अलग होंगी, ज़ाहिर है आपके ख्याल में, जी सही ठीक है। सही तो सही अब अगर मैं, जी जैसे आप हैं, ठीक है, आप और आपका एक और भाई है, फॉर जी एग्ज़ाम्पल आपका एक भाई है,
आपके अब्बू बोलते जी हैं जी आप दोनों बेटों को कि आपका नाम क्या है, फॉर जी एग्जांपल बाबर बाबर, ठीक है, वो बोलते हैं बाबर आपने मुझे दिन में 5 दफ़ा आपने कॉल करके मेरा हाल चाल पूछना है, ठीक है, आप दूर सही रह रहे हैं कहीं, आप दूसरे शहर में चले गए। फिर आपके एक और भाई हैं, उनका नाम है बख्तावर, ठीक है। अब जी बाबर और बख्तावर जो हैं वो दूसरे मुल्क में रहते हैं, और उन्होंने बोला भाई जी 5 मरतबा आपने भी मुझे कॉल करनी है, 5 मरतबा आपने भी कॉल करनी है, आपके अब्बू का हुक्म जारी हो गया, ठीक है, जैसे सरेंडर करने का बोल जी दिया। अब क्या है कि आप जो है ना, आप जैसे बाबर है, बाबर असली में अपने अपने हिसाब से प्यार करता है और बेशक अपने अब्बू के अपने अब्बू से दिल से मोहब्बत करता है, तो वो हर 5 मरतबा सही कॉल करेगा और अब्बू से उसका दिल खुद ठंडा होगा, वो बात करेगा अपने अब्बू से, अब्बू कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी, खाना खाया, दवाई खाई आपने, सब ठीक है, ठीक है, ये आपकी सूरत हाल है। अब जो आपका भाई है बख्तावर, अच्छा वो बख्तावर जो है ना, बख्तावर साहब वो इतना अपने अब्बा से प्यार नहीं करते, अब्बा से थोड़ा जो है ना वो खिंच खिंच के रहते हैं, ठीक है, और सही वो दिल से प्यार नहीं करते, वो अब्बा को सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। तो अब्बा को दिखाने के लिए वो 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ लेंगे, सही है, वर्जिश ही करनी है, सही 5 वक्त की कॉल कर लेंगे, हेलो अब्बा कैसे हैं, ठीक है, अच्छा अब्बा मैं बिजी हूँ, बाद में बात होगी, जबरदस्ती कर रहा है ये काम मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो सही ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो दिल उनका नहीं है। तो आपके सही अब्बू को किस तरह पता चलेगा कि किसका प्यार जो है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्यन है, वो असली मोहब्बत करता है मुझसे मेरा बेटा? क्या समझ आया आपको इस बात से? मुझे तो यही समझ आई कि एक तरफ है एक ऐसा इंसान जो अपनी विलिंगनेस से ये काम कर रहा है और दूसरी तरफ किसी को प्रेशराइज करा के आप ये काम करवा रहे हैं। सही सही। तो अब किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा बेटा सच्चा वाकई प्यार करता है? आप देखें, देख लें, जैसे 5 वक्त की नमाज आपके अब्बू पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वो जी मजबूरी से पढ़ रहे हैं या मोहब्बत से पढ़ रहे हैं? मुझे आप ये बताएं कि किस तरह पता चलेगा कि आपके अब्बू ने जो नमाज़ पढ़ी है, जितने भी दुनिया में लोग हैं सब प्रेशराइज होकर पढ़ रहे हैं और कुछ उसमें 4-5 होंगे जो असली मोहब्बत से कर रहे हैं। तो 5 वक्त की सही नमाज़ पढ़ना तो सबने पढ़ी है, बट ये कैसा हुक्म हो गया कि आपने विलिंगनेस ही नहीं दी इंसान को? विलिंगनेस और मोहब्बत तो तब, देखिए मोहब्बत होती है, देखिए फ्री विल, ठीक है, लव जी होता है फ्री विल। अब फॉर एग्जाम्पल जी आप जो है, आपकी वाइफ है, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई कि नहीं, बट मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी एक वाइफ है, ठीक है, आप उसको बोलते हैं कि भाई देखो मेरी बात सुनो, तुम ना जी बार बार अपनी अम्मी से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हैं ठीक है, सही और घर पे ज़रा ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और वो जो है वो जी फिर भी जो है ना वो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगी, बट वो आपसे छुप के फिर भी करती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी मोहब्बत को दिखाने का तरीका कुछ और है और उसको छुपाने का तरीका कुछ और है, वो लव नहीं है। लव तो तब है जब वो उन्होंने आपने एक बार बोल दिया, उन्होंने कहा बस ठीक है अब मैं नहीं करूँगी, मेरी मोहब्बत इससे अच्छी है, वो पीठ पीछे भी नहीं करेंगी, वो सच सच्चे दिल से नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती हैं। जी वो सच्चे दिल से कर रही है यहाँ पे सही 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 हाँ, विलिंगनेस है, ये विलिंगनेस है। मोहब्बत होती ही तब है जब आप उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ दें। फॉर एग्जांपल आप, आपकी बीवी है या आप उससे शादी करना चाहते हैं किसी एक ऐसी लड़की से, और वो बोलती है भाई मुझे तुमसे जी नहीं करनी शादी, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बोलते हैं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम उसके पीछे पड़े हो कि भाई मुझसे करनी है शादी, जी मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ, मुझे तुमसे तुमने मुझसे ही करनी है शादी, तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हें मार दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। तो इससे ये जाहिर होगा कि आपने उस लड़की को फ्री विल नहीं दिया, आपने उसको विलिंगनेस नहीं दी, आपने उसको प्रेशराइज करा हुआ है कि मुझसे मोहब्बत करो, तो वो मोहब्बत झूठी हुई या सच्ची हुई? वो झूठी होगी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया, वो झूठी मोहब्बत है, वो प्रेशराइज होके हो रहा है, वो विलिंगनेस से नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब जितने लोग हैं दुनिया में वो प्रेशराइज होकर भी नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, ठीक है, तो अल्लाह जी ताला ने ये किस तरह का रूल बनाया है कि किस तरह पता चलेगा कि किसने दिल से पढ़ी है और किसने विलिंगनेस से नहीं पढ़ी? यार सबने सबने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है, नेकियाँ तो सबको 5 वक्त की नमाज़ों की ही मिल रही है। पढ़ी अब मेरी बात समझ रहे हैं? सही तो ये मैं आपका क्या समझ पाऊँ ख्याल है जी कि ये जस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है? बाप मुझे जवाब दीजिए। एक्चुअली देखें मेरा यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे फ्री विल करी इंसान को फ्री विल के तौर पे था फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ जैसे कट कि गई थी बाइबल में ज़रा। भी ये किस्सा हम पढ़े हजरत आदम के टाइम पे तो जब उनको मन जी, बाबर आपकी आवाज़ कट रही है।
मना किया, मना किया गया कि तुम नहीं खाओगे वो फल वरना तुम निकाल दिए जाओगे बाग़े अदन से, या हम जिसे जन्नत कहते हैं, तुमने नहीं किया। उन्हें फ्री ये तो खुदा ने फ्री विल दी है। विल दी, पर हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी दिए। मेरा ख्याल है यही हमारा इम्तिहान है इस दुनिया का, क्योंकि देखें अगर अगर हम दूसरी साइड पर जाते हैं एथियज्म वाली, तो वो लोग मानते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं जिसने ये दुनिया क्रिएट करी। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या फिर ये दुनिया सिर्फ 2 दिन के लिए बनाई गई कि खेलो कूदो और वापस आ जाओ? आपकी बात मैं समझ गया बिल्कुल, मगर एक हुक्म जब खुदा देता है ना, तो खुदा बोलता है ये सही जी रास्ता है और ये गलत रास्ता है। अब जी आपके ऊपर डिपेंड है कि बिल्कुल आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अगर खुदा बोल देगा ना बिल्कुल कि तुमने करनी ही 5 वक्त की नमाज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस इंसान ने 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ ली? मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, मेरे मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जानने वाले, जो कि वर्जिश करते हैं और 2 मिनट में नमाज़ पढ़ के नकादे भी नहीं पढ़ी और निकल गए। भाई क्यों, नेकी मिल गई भाई, हमें बिल्कुल नमाज़ बिल्कुल पढ़ के आजकल आया यही हूँ, चलता यही है। चल रहा है। सही है, तो मैं आपको ये समझ जी जी ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ने से आप खुदा का दिल नहीं जीत सकते। खुदा का दिल आप तब जीतेंगे जब जी आपने किसी और इंसान की मदद कर दी, किसी और इंसान को नेकी दे दी, और एक दूसरे इंसान से मोहब्बत करो, अपने अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। ये खुदा, ये आपने बाइबल अगर पढ़ी है तो उसके ऊपर उसमें लिखा हुआ है, जब जीसस क्राइस्ट मैंने बोलते पढ़ा हैं, जी जी पढ़ी है आपने ना, तो आपने ये हुक्म भी पढ़ा होगा जीसस जी क्राइस्ट का। पढ़ा तो आप ये समझ लें जी कि जब कोई ऐसा जी हुक्म दे दे जो इतना मुश्किल काम है। नहीं जी बोलिए, नहीं आप कंटिन्यू करें प्लीज। तो ये खुदा ने ये हुक्म दिया कि अपने दुश्मनों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। आप सोचें, अगर पूरी दुनिया में आज आप, मैं और सारे लोग जो दुनिया में हैं इस टाइम, वो अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर लेंगे अपनी मानिंद, तो ये दुनिया क्या बन जाएगी आप बताएं? जन्नत का नमूना बिल्कुल जन्नत का नमूना। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। तो जब जन्नत का नमूना बनाने के लिए ऐसे हुक्म दिए हुए हैं बाइबल के अंदर, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये होती है फ्री विल। अब मेरी वो मर्ज़ी है कि बिल्कुल मैं किसी को अपने अपने दुश्मन से तरह मोहब्बत करूँ या ना करूँ, या अपने दुश्मनों को दुश्मन की तरह ही मैं उसको ट्रीटमेंट दूँ। ठीक है, वो मेरी मर्ज़ी है, वो मेरा फ्री विल है। अब कुरान जी इस्लाम के अंदर जो है, ये एक बहुत ही एक ना जानने वाली बात है कि ये इंस्टेंस है कि आप किसी को बोलें कि आपने 5 वक्त की नमाज़ें ही पढ़नी है, तो आप समझ रहे हैं कि वो जो नमाज़ पढ़ के 2 मिनट में रफू चक्कर हुआ, उसको नेकी भी मिल गई नमाज़ की, और जो है और उसने दिल से भी नहीं पढ़ी, उसने ज़बरदस्ती काम किया। आप समझते हैं कि उसको जो सवाब मिल रहा है वो सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है? जी गलत मिल रहा है ना उसको सवाब, जो उसको मिला इस टाइम, जो उसने वर्जिश की है। गलत मिलेगा आपकी आवाज़ कट रही है। उनके साथ नमाज पढ़ रहा है और जी, बाबर आपकी आवाज़ कट रही है, हेलो एक बार मुझे फिर से बोलिएगा। हेलो जी बाबर, अब बोलिएगा, आपकी हेलो आवाज़ सही आ रही है, अब बोलिए क्या जी जवाब है आपका। यहाँ पे ये मानना है कि अगर जो सवाब कमाया, आप समझते हैं कि उसने गलत सवाब कमाया है। हेलो, हेलो बाबर, आवाज़ आ रही है? हेलो जी आवाज़ आ रही है आपको? To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.